अभी थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे बाबा, तो उसमें एक जगह ये हुआ कि अनुभव की परिभाषा की बात हो रही थी, तो जानने मानने का तृप्ति बिंदु ऐसा बोला, और आपने कहा कि मानना बराबर जीना, तो इससे ये आता है कि अनुभव जीने के बाद ही अनुभव है, ऐसा एक मैसेज आता है। जीने में प्रमाण हुआ। हाँ ठीक है, तो प्रमाण हुआ उसके आधार पर तृप्ति हुई। तृप्ति तब तक तो होता नहीं। उसके पहले जिसको हम समझदारी कह रहे थे, समझ गया हूँ कह रहे थे, समझ गया हूँ कि समझाने की बात है ना समझदारी, समझाए बिना समझाने समझदारी क्या चीज। तो वो जो समझ गया हूँ क्या उसको बोध ही कहना उपयुक्त है? बोध है, बोध दृष्टा पद का। तो वो बोध से ही जुड़ता ज्यादा है। बोध नहीं है, अनुभव ही वास्तव में दृष्टा पद है अनुभव। और प्रमाण जो है ना जागृति है। ये बात कई बार हो चुका। नहीं ये तो हुआ, लेकिन जब अनुभव की परिभाषा हम कहते हैं जानने मानने का तृप्ति, जानने मानने का तृप्ति बिंदु ही अनुभव है, तो ये जानने मानने का तृप्ति बिंदु तो जागृति हो जा रहा है ना बाबा जी। तृप्ति बिंदु स्वयं में। अच्छा, तृप्ति स्वयं में होता है ना। अच्छा, और उसके बाद प्रमाण की तृप्ति अलग है। उसके बाद प्रमाण जो है ना, हम समझदार हो गए इसका प्रमाण। ये ठीक है। तो ये जो आप कहते हैं कि जब मैं समझ गया हूँ, यह एक तृप्ति के बिना, वो तृप्ति का प्रमाण के बिना तृप्ति क्या है? अभी तक वहीं तक की बात थी। अभी ऐसे ही लोग सोचते रहे, हम समझ गए हो गए। प्रमाण के बिना मैंने समझ गए, इसका कोई गवाही नहीं हो सकता। तो फिर वहां पर जो आप शब्द यूज करते हैं कि मैं समझ गया हूं इसका तृप्ति, तो शायद तृप्ति की पुष्टि में है समझाना। हम तृप्त हो गए, हम धनी हो गए, हम अच्छे हो गए, इसके पुष्टि में समझाना। तो बाबा जो एक आप बोलते हैं कि बोध होता है तो अनुभव होता ही है, तो बोध तो क्रमिक है, जैसे कुछ चीजों का बोध हो रहा है। ठीक है ना भाई, क्रमिक बोध हो करके संपूर्ण बोध के बाद अनुभव। हाँ, तो जब क्रमिक हो रहा है उस वक्त अनुभव होता है, ऐसा नहीं है? अनुभव ही प्रमाण होता, अनुभव में अनुभव प्रमाणित हो जाता। ए वर्षा, पानी लाओ थोड़ा सा। इस ढंग से मनुष्य पर समझदार होने का प्रमाण होने की बात आ गई। प्रमाण नहीं होने से परंपरा नहीं है। तो ठीक है, परंपरा की बात करना है तो प्रमाण है। ठीक है। इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। बोध होना अध्ययन से, और कोई विधि नहीं। और हमारा जैसा नहीं तो अनुसंधान करें, समाधि संयम करें, उसके बाद तृप्ति हो। तो अभी बात हुई थी बाबा कि साक्षात्कार का मतलब उसका पहचान होना, अध्ययन से पहचान। ठीक है। और उसके बाद हमने कहा सुनिश्चित होना, उसको बोध बोला। बोध प्रमाण होना अनुभव का, प्रमाण होने को अनुभव का। अच्छा,
इसके बीच में जो मैं समझा हूँ वाली एक स्थिति आती है जो मुझ में अनुभव ही समझा हो पुनः वही बात पुनः वही वही रह जाते। नहीं देखिए प्रमाण को भी अनुभव कह रहे हैं ना, तो प्रमाण तो उससे आगे की स्थिति, अनुभव का प्रमाण अनुभव हुआ जिसका प्रमाण होता है और कुछ प्रमाण होता ना। अनुभव ही कुल मिलाकर के ये है समझदारी है, इसको इसको दृष्टा पर नाम दिया, वो प्रमाणित होने से जागृति हो गए। प्रमाणित होने के पहले दृष्टा पर मैं होता इसको कोई भी प्रयोग करके देख सकता।